हालो जग हालो हरिओम तत्सत हेलो 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 बस बेस कम कर दीजिए। हाँ बोल रहा है। ओका हेलो 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 बढ़िया। बस 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 आवाज में बेस है, आवाज में। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अभी तक आपने जवाबी प्रोग्राम का आनंद लिया है। हमारी बहन विद्या जी ने बड़ा अच्छा कार्यक्रम दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इनके गीतों को सुन के वास्तव में आनंद आया और इनका साथ जो है रात भर हमारे संतोष संगम भैया जी ने दिया, बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा। और सीटी ने बजा बेटा, अच्छी बात नहीं है। हेलो आप कहाँ हो गो भैया? हम जो है अपने बड़े भाई गुरु तुल्य उत्तम आचार्य जो है हमारे बड़े भाई भी है रिश्ते में। अच्छा। और गुरु भी है, मार्गदर्शक भी है। इनके चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं इनसे कि इनका सदैव जो है हमारे सिर पर हाथ रखा रहे और हमें जो है आशीर्वाद देते रहे। फिलहाल वो यहाँ है नहीं, हम है, सामने हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, हम उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। औका सिटी में जाके लेकिन चलते हैं, लेकिन वो अभी आदेश हुआ, मौका दिया भैया जी ने एक गीत गाने का। हेलो क्या बात है। तो आदेश का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। बिल्कुल बिल्कुल करिए आदेश का पालन। और यहाँ की जनता जनार्दन जो है बैठी हुई है, जनार्दन जो है भगवान होते हैं, भगवान उस जनता जो है भगवान का स्वरूप होती है। इसलिए जो है हम अपनी जनता से आशीर्वाद की कामना चाहेंगे और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। चलते हैं। चलो बढ़ाओ भैया, बढ़ाओ बढ़ाओ चाटी बढ़ाओ। चलते हैं। कहा है किसी ने एक मुक्तक अर्ज है, अभी तक तो आपने काफी शेर। ये मामला है शेरबाजी का बेटा, सीटी नहीं। बस बेटा इतनी रहन दो, हम गा लें आराम में। किसी ने एक मुक्तक कहा है, अभी तक तो बड़ी शेरो शायरी कटाक्ष बिल्कुल, जैसे अभी लड़ाई हो रही हो। अरे क्या हमारी बहन विद्या की तरफ से, भाई संतोष की तरफ से बड़ा अच्छा आनंद आ रहा था। दोनों तरफ से कटाक्ष शायरी, शेरो शायरी का आनंद ले रहे थे। अभी सभी लोग सुनते हैं, मुक्तक की ओर चलते हैं। चलो किसी ने, चलो भाई उर्दू में शेर बोलते हैं उसको मुक्तक। यार क्या बात है, बारिश से लिखा है किसी ने, यार जित दिन मौत का पैगाम आएगा, यार जित दिन मौत का पैगाम आएगा, आएगा कहेगा क्या करेगा क्या बहाना बनाएगा, कि कह देना लेना देना बाकी है दीदी, कह देना लेना देना बाकी है, बाद में लड़के की शादी है। काम चल नहीं सकता यूं चापलूसी से, कि काम चल नहीं सकता यूं चापलूसी से, वजह जिस दिन आएगी वो टल नहीं सकता। एक मुक्तक और आ दिया गया, सुनाए रहो तो आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। कोई दिक्कत नहीं, अभी टाइम बहुत दूर से पढ़ा रहे हैं हमारे बड़े भैया के एस म्यूजिक वाले भैया, बड़ा इनका प्रेम हमें प्राप्त होता है, आशीर्वाद भी देते हैं, जब भी इन्हें बुलाते हैं तो खींचे चले आते हैं, ऐसा हम लोगों का प्रेम है आपस में, दौड़े चले आते हैं। तो भैया जी एक शेर अर्ज़, एक एक मुक्तक उनसे भी सुन चल दे मुकड़ों पर, क्या बात है, चल दे मुकड़ों पर जबानी आज देखी जा रही, चल दे मुकड़ों
चंद टुकड़ों पर जबानी आज बेची जा रही कि कुछ जबानी पाउजों में पैक होके रह गई, कुछ जबानी बासना में कैद होके रह गई। अब तो बुझते दीपक सी टमटमाती है जवानी, होश में आने से पहले डूब जाती है जवानी। लिखा है परम आदरणीय परम सिद्धे गुरुवर श्री सिद्धेश्वर चतुर्वेदी जराना वालों ने, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और चलते हैं गीत की ओर। अरे सिद्धि हेलो, चलो भाई आगे बढ़ो। चलो भाई मुक्तक के आगे कौन सी दिक्कत है बोलो। फिर भी दुनिया ने कहा है कि दीवारों पे लिखा है सुबह की बेला में राम नाम का जाप हुआ, सुबह जो है प्रभात फेरी फिरती है तो राम नाम का उच्चारण होता है, तो याद आ गया कि कहना है कि किसी ने जाप में कहा बहुत आगे जाओगे। किसी ने जाप में कहा, किसी ने ताप में कहा, किसी ने जाप में कहा। कोई आदमी जो है बराबर माला डालता है तो श्री राम जय राम 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 की माला करता है, और जब किसी की तबीयत खराब होती है ज्यादा जो है तबीयत ऐसे नहीं दर्द होता है तो राम नाम के अलावा प्रभु के अलावा कुछ याद नहीं आता। ना बेटा ना, लिखा है मदन नहीं गुरु बने। बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने जाप में कहा, किसी ने ताप में कहा, पाप के पिला से उपसताप में कहा, राम नाम सतनाम राम नाम जाप में कहा। वो किसी की अगर तबीयत खराब है, ताप चढ़ा है, बुखार चढ़ा है, किसी प्रकार की तबीयत खराब है, कष्ट में ही भगवान को सुमरण करता है, सुख में कोई सुमरण नहीं भगवान को करता है, केवल कष्ट में करता है। वो जब कोई पाप हो जाता है, पाप के पराशर, अरे ये क्या हो गया, घिनौना काम हो गया मुझसे, अरे राम राम ये क्या हो गया, राम राम हरिओ, कोई पाप हो जाए तो पश्चाताप में करता है कि आदे यार ये मैंने कैसा काम कर दिया, गलत काम कर दिया, क्या बात राम 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 कैसा काम। बहुत बढ़िया। तो राम नाम सतनाम राम नाम सतनाम राम नाम सतनाम राम नाम सतनाम राम नाम। अब राम नाम इस दुनिया में
नाम का जो है गुणगान सबसे ज्यादा किसने किया, गीत के माध्यम से बताते हैं, जो राम नाम में सदैव जो है लीन रहते थे। सुनिएगा क्या बजाते हो बदई काग के दारने। क्या बात है बेटा, बदन मानी भगवान गणेश काग भूषण जी वो केदार एक संत हुए। क्या बात है, क्या बात है। वाल्मीकि जी ने हमेशा उल्टा नाम लिया, जब उल्टा नाम जपते रहे, मरा मरा जपते रहे, तो हमेशा उनके नाम से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया राम नाम का सुमरण करने लगे। क्या बात है, और राम नाम में भी इतने लीन हो गए कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। क्या बात है बेटा, बहुत अच्छा है। क्या बात है, केवल राम नाम के रटते रटते ब्रह्म के समान हो गए। लड़का विद्वान जन्म लेते ही तुलसी वो रोए नहीं, राम का नाम मुख से कहा। जन्म जब बाबा तुलसीदास का जन्म हुआ तो वो रोए नहीं। जब बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, कहता है मैं कहां आ गया इस माया जंजाल में फंस गया। लेकिन बाबा तुलसीदास के साथ ऐसा ही नहीं हुआ, जब वो जन्मे तो जन्म के तुरंत बाद जो है राम नाम का सुमरण कर लेते। क्या बात, जब बाबा तुलसीदास ने भी सुमरण किया तो और किस किस ने किया, गीत के माध्यम से बताते हैं आपको। तो भृगुनाथ ने कहा, भृगुनाथ एक संत हुए, उन्होंने भी राम नाम का जो है सुमरण किया जिंदगी। क्या बात है, एक नाथ ने कहा उसको करके जाके जब तो भोलेनाथ ने कहा कि राम नाम सतनाम राम नाम। यहाँ एक चौपाई आती है कि राम राम जब सुमरन लागे तो जाना उमा जगतिपति जाने। गीत के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और जो है कौन कौन राम बहुत अच्छे लगा हुआ है। क्या बात है बेटा, क्या बात है, तरक्की करोगे। चल दिए राम बस को बहुत बढ़िया। क्या बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बड़े भैया कि चल दिए राम वनवास को, जब भगवान राम वनवास को चल दिए तो साथ में उनके चल दी प्रजा। क्या बात है, जब साथ में उनके प्रजा चल दी तो अयोध्या से काफी दूर निकल गए। तो भगवान ने सोचा, क्या सोचा, रात्रि भी हो गई, शाम का वक्त हो गया। भगवान ने बहुत लौटाया, बहुत मनाया कि तुम लौट जाओ, वनवास मुझे हुआ है आपको नहीं। लेकिन प्रजा नहीं मानी, बोले प्रभु जहाँ आप तहाँ मैं, क्योंकि सारी प्रजा जो है सारी अयोध्या राम के रंग में लगी हुई। तो कहा क्या, जब शाम की वेला हो गई तो एक बरगद के पेड़ के नीचे सभी लोग रुक गए, भगवान राम सीता और सारी अयोध्या की प्रजा। तो लिखा है कि हरे थके नींद में बहुत तभी सो गए
हरे नींद में वो सभी दुर्राम ने उनको को तजा ये 21 रुपए हमारे बड़े भैया उधम सिंह सेंगर इटोरा जो है निवासी है प्रदान करते हैं आशीर्वाद की कामना चाहेंगे ये 51 रुपए हमारे बड़े भैया वीर सिंह यादव जी इटोरा निवासी हैं आशीर्वाद रूप प्रदान करते हैं आशीर्वाद की कामना चाहेंगे और 51 रुपए हमारे बड़े भाई संतोष संगम जी प्रदान करते हैं उनसे आशीर्वाद की कामना चाहेंगे जय हो और जो है ऐसा ही जो है कृपा दृष्टि बनाए रखें बिल्कुल लिखा है क्या हरे थके सो गए नींद में तो रात में उनको प्रभु ने तजा जब हरे थके नींद में सो गए सभी प्रजावासी तो भगवान राम ने सोचा कि सभी लोग सो गए समय अच्छा है इनको त्याग के चल दिया जाए क्योंकि अगर जाग गए तो मैं जा नहीं पाऊंगा बिल्कुल बिल्कुल तो रात में प्रभु 12 बजे जो है उनको छोड़ कर चल दिए जब सुबह हुई सभी लोग जागे जब सभी लोग जागे तो हुआ क्या हुआ तो प्रेमियों ने कहा प्रेमियों ने कहा योगियों ने कहा क्या सो करके जागे जब तो योगियों ने कहा राम नाम सतनाम राम नाम अभी एक चौपाई आती है अभी आओ कि जागे सकल जागे सकल लोग भय भोरू गए रघुनाथ भयवती सोरू सोरू वाह बहुत बढ़िया औगा लड़का विद्वान है होशियार है अंतिम बात की ओर चलते हैं अंतिम बात है और कौन कौन राम के रंग में रंगा हुआ है अरे क्या बात है क्या बात है सब नेटवर्क रुद्र का रुद्र का पीते थे भगवान जी महाराज भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार है और इन्होंने तो सारा जीवन राम के लिए अर्पण कर दिया रोम रोम में इन्होंने राम दर्शा दिया तो ग्यारे मार रुद्र का पीस से स्वये सिल के मय में ये नयका हुई भगवान हनुमान जी महाराज के मन में शंका हो गई कब जब लंका में जब भीषण का भवन देखा राम नाम अंकित गए शोभा वरन न जात वाह बेटा वाह राम नाम नाम से अंकित वो भवन जब देखा तो शंका में पैदा शंका मन में पैदा हो गई कि निशाचरों के घर में भगवान का भक्त तो शंका पैदा हो गई क्या कि रामायुध देखे सन से लगा नेटवर्क चल गया एक आवाज आई ये क्या बात है एक आवाज वहां से आई कहती कि भरत लखन ने कहा क्या सबरे सुती क्षण ने कहा उसको करके जागे जब तो विभीषण ने कहा राम नाम सतनाम राम नाम सतनाम राम नाम बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय